स्पष्ट दिखेंगे और आंसर अट्रैक्टिव है तो एग्जामिनर आपको नंबर देता है। आप मजबूर कर दीजिए एग्जामिनर को नंबर देने के लिए, आप अपने से सतर्क रहिए। अशेष तो एग्जामिनर हमेशा पॉजिटिव होता है, वो अपने बच्चों का कभी नुकसान नहीं करता, जिसकी कॉपी चेक कर रहा होता है एग्जामिनर के मन में एक बात हमेशा होती है, मैं पिछले 20 वर्षों से बोर्ड की भी कॉपी चेक करता हूं और अपने विद्यालय में बच्चों की कॉपी चेक करते समय ये बात जरूर रहती है कि किसी बच्चे का नंबर कम ना हो, जितना वो लिखा है उससे उतना उसको नंबर जरूर मिले, क्योंकि उसे अपने घर से कुछ देना नहीं होता, वो तो आपने लिखा है आपको देना है, तो उसमें वो नंबर कम नहीं करता। लेकिन पॉइंट क्या ध्यान देनी है जो मैं बता रहा हूं कि आप अट्रैक्टिव लिखिए, साफ साफ लिखिए। कुछ बच्चे तो ऐसा लिखते हैं कि एग्जामिनर पढ़ने ना पाए, एग्जामिनर पढ़ने नहीं पाएगा तो वो अच्छे नंबर दे देगा, ऐसा नहीं होता। जब तक एग्जामिनर सही से पढ़ ही नहीं पाएगा तो आपको नंबर कैसे दे देगा। तो ये सब गलत फहमी है जिसको आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर बड़ा ढेर सा लिख देंगे नंबर मिल जाएगा, ये भी दिमाग से निकाल दीजिए। जितना पूछा गया है उतना ही लिखिए, ज्यादा लिखते हैं तो उस आंसर की जो खूबी है वो समाप्त हो जाती है और तब क्या होगा कि नंबर मिलने वाला भी है जो वो नहीं मिल पाएगा आपको। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि ये सब गलत फहमी ना रहे कि हम एग्जामिनर को जो है ऐसा लिख दें कि एग्जामिनर पढ़ने ना पाए नंबर दे देगा, या इतना ज्यादा लिख दें कि वो जो है देख करके बहुत ढेर सारा लिखा बच्चे ने नंबर, ऐसा कुछ नहीं होता जो भी चीजें हैं, क्योंकि वहां एग्जामिनर आपका मूल्यांकन करने जो गया है वो एक्सपीरियंस्ड होता है, उसे आप अपने स्तर से ये कदापि ना समझने का प्रयास करें या उसको अंडर इस्टीमेट करने का बिल्कुल आप प्रयास मत करिए। आप समझिए कि आपकी जितनी अच्छी और फ्रेश कॉपी होगी उतना बेहतरीन नंबर आपको मिलने वाला है। चलिए खैर, काफी कुछ मैंने बताने का प्रयास किया और भी, अब तो चूंकि बोर्ड एग्जाम की बात चल ही रही है, प्री बोर्ड चल रहा है, बोर्ड चलेगा, तो अब एग्जाम की बातें चलती रहेंगी। बहुत सारी चीजें अभी हैं जिनको मैं बताता रहूंगा और आप सभी तैयारी करते रहिए। चलिए कल प्री बोर्ड एग्जाम है, आप सभी अपनी तैयारी में लग जाइए। चलिए अब आप सभी लोगों से विदा ही ले लेता हूं ताकि आप लोग अपने कल के सब्जेक्ट में लग जाइए, ठीक है। खैर, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, हम लोग क्लास आएंगे, जैसा चैप्टर रहेगा उसके हिसाब से बात करेंगे। जैसे आज हमने इसके पर्सनल लेटर से संबंधित कुछ बात की, देखते हैं यदि इसमें कोई और इम्पोर्टेंट एकाक्ट रहेगा तो उसकी बात कर लेंगे, कंफर्म करेंगे ताकि जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आपको कोई समस्या एग्जामिनेशन हाल में ना हो, ठीक है। फिलहाल आज जल्दी आप सभी से विदा इसलिए लेता हूं क्योंकि कल आपकी एग्जाम है और आप प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह ही देंगे, ठीक है। इसी वादा के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। चलिए, कैसा रहा सेशन, चाय वे आ गई दीपक की, थैंक यू, गुलाब की भी चाय आ गई, गुड नाइट हो गया सबका। चलिए कोई बात नहीं, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। चलिए गुड बाय, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्री बोर्ड। प्री बोर्ड के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, अगले दिन फिर अपने समय पर मिलेंगे। कल का पेपर देके आप लोग अच्छे से रहिए और क्लास कंटिन्यू रहेगी, क्लास हम लोग ब्रेक नहीं कर रहे हैं इसलिए ताकि हम लोगों का सेशन चलता रहेगा तो चैप्टर्स कंप्लीट होते रहेंगे। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। धीरज जी अभी आ रहे हैं, क्या लिए। खैर अब जो है जिन जिन लोगों का छूट गया होगा वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल इस अपने समय पर, तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि टू ऑल ऑफ यू।